जो आज तक भी इसमें नहीं हुआ वो हमारे पीएम मोदी करके लिखा है, चाहे वो देश के बाहर से अभिनंदन को लाना या हर घर तिरंगा फहरा के पूरे देश को जगाना, वो सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं। बताइए, तिरंगा शब्द आप सुनते हैं कभी भी तो क्या जहन में आता है? पहला शब्द, पहली बात क्या क्या आती है? देशभक्ति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप पहुंचा हूं पटना वन मॉल, जहां पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव मिर्ची तिरंगा यात्रा। या तो इस तिरंगा यात्रा में जालंधर पंजाब से यहां पर आने वाले आरजे दीपक और पटना के आरजे शशि यहां पर रहेंगे, चलिए आपको उनसे मिलवाएंगे, लोगों से भी मिलवाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, तो अभी हमारे साथ हैं आरजे दीपक जी और आरजे शशि जी, जो मिर्ची तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है और कहाँ से शुरू हुई है और आ चुकी एक पड़ाव जो बिहार का पटना है, एक पड़ाव, और ये तिरंगा यात्रा अभी आगे चलने वाली है। और जो शशि जी हमारे बीच है, लाखों करोड़ों दिलों के फेवरेट, और साथ ही साथ हमारे बीच पंजाब जलंधर से दीपक जी यहाँ पर आए हैं, वो तिरंगा लेकर आए पटना और यहाँ से इन्हें हैंड ओवर किया। और अब आज शशि जी तिरंगे को लेकर जाएंगे गुवाहाटी। तो थोड़ा सा ऑडियंस को आप खुद ही बता दिए कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ तक जाने वाली है? ये जर्नी शुरू हुई दिल्ली, दिल्ली तो जिला तिरंगा है क्या हो गया, जम्मू, जम्मू तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो पटना आ गया है, और पटना तो जाएगा गुवाहाटी। और गुवाहाटी से होते हुए ये सफर तय करते हुए जो अलग अलग शहरों से होते हुए वापस दिल्ली जाएगी, और वहाँ पर 15 अगस्त को उसी झंडे को फहराया जाएगा। जी हाँ, तो यही है आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और आप प्लीज़ जो भी लोग तिरंगा फहराएंगे वो आप अपलोड करेंगे www.harghartiranga.com पर। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम, एंड वी आर सेलिब्रेटिंग द प्राइड ऑफ इंडिया विथ हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव एंड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेडियो मिर्ची। तो आप सभी इस वर्ष हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आजादी का अमृत महोत्सव और साथ साथ हर घर तिरंगा। इस वर्ष 13 अगस्त से 15 अगस्त आप सभी अपने घर के ऊपर तिरंगा झंडा फहराए और सेल्फी लेकर आप अपलोड करें www.harghartiranga.com पर, क्योंकि ये बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल मोमेंट, बहुत ही स्पेशल पल है हम सभी के लिए। आज़ादी के 75 वर्ष हमने पूरे किए और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या मोदी सरकार का अच्छा नहीं है? मोदी सरकार चाहता है कि सब युवा देश से जुड़े, देश के प्रति भावना है, उनके प्रति क्या बोलते हैं, अंदर जुनून पैदा हो देश के प्रति, कि देश के लिए कुछ करें। जैसे कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, इसमें बहुत सारे लड़के गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, बहुत शौक है, सब ये आ रहा है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये बताइए? क्योंकि अभी 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त आने वाला हो तो हर साल आता है, तो अभी मोदी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसके तहत इस जो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं आप? सबसे पहले ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, जिस कारण से जो भी पीएम मोदी का इनिशिएटिव है कि हर घर तिरंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी का हर एक इनिशिएटिव एक से बढ़कर एक होता है। इस इनिशिएटिव पे एक बहुत बड़ा बात बोलना चाहूँगा कि बहुत लोग फ्लैग होस्ट कर देते हैं और उसके बाद अगर वो जमीन पे पड़ा रहता है तो वो देशभक्ति 15 अगस्त को, तो अगर आप कहीं पड़े हुए तिरंगे को भी देखते हैं तो उसे उतना ही सम्मान दीजिए जितना पड़े हुए तिरंगे को देते हैं। ये बहुत सही बात है, छोटा तालियां होनी चाहिए इनके लिए, ये बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इनिशिएटिव चलाई गई है हर घर तिरंगा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेहतर है, बेहतर है हर घर में तिरंगा आप फहरा रहे हैं इस वक्त, और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? सब लोग लगाएं, आज़ादी का जश्न मनाएं, फेसबुक पर डीपी, व्हाट्सएप पर डीपी, जहाँ में भी हो तिरंगे का एक तिरंगा लगाएं, ठीक है? और जिस दिन ये आया उसके दिन जस्ट पहले मैंने अपने घर पर तिरंगा लगे शुरुआत की थी, और अभी मेरे द्वारा बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है, काफ़ी कई सारे
थैंक यू सो मच दोस्तों। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, और आज का ब्लॉग था आज़ादी के अमृत महोत्सव के नाम, हर घर तिरंगा के नाम और देश के नाम। आप बताइए कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जानवरों से प्यार करें, लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। सही है।